गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट नेम्स मनी। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आर एक्सरसाइज 7A, दैट इज हियर। हैव अ लुक इन द फर्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो मीरा वेंट टू अ शॉप एंड बॉट 5 टी शर्ट्स फॉर 320 रुपीज। और ₹320 मीन्स मीरा ने 5 टी शर्ट्स कितने में खरीदी? 320 में। तो हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच? तो हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है एक टी शर्ट का। सो कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट, व्हाट इज इट? 320। सो कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट कैसे निकालेंगे? वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट और एनी वन नंबर और एनी वन थिंग, वी हैव टू डिवाइड द नंबर टोटल नंबर बाय द टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट बाय नंबर। सो टोटल कॉस्ट कितना है? 320 डिवाइडेड बाय 5। वी हैव डिवाइडेड बाय 320, वी गेट आर आंसर 64। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो now moving on to our next question. Chetna bought 1.5 dozen of pin. So cost of 1.5 dozen of hair pin kitna hai? 48. 1 dozen equals to 16. 1.5 dozen equals to 1 dozen means 1 dozen equals to 12. So 1 dozen and half dozen, 1 dozen stands for 12 and half dozen stands for 6. Agar 1 dozen 12 hai तो हाफ कितना होगा 12 का? 6। सो टोटल कितना आ गया? 18। सो वी हैव द कॉस्ट ऑफ 18 पिन्स, 14। वी हैव टू फाइंड आउट द वन हेयर पिन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ वन हेयर पिन। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 18। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने क्या किया, टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ द टी शर्ट से डिवाइड कर दिया। एंड सेम इन दिस केस वी हैव टू डिवाइड द 48 बाय 18। So 18 is divided by, both the numbers are divided, or we can divide these numbers here. I have done cutting here. If you want to do it by the division method, 18 to the 36, what comes the remainder? Remainder comes 12. Then decimal is here. Jab decimal lagate ho yahan pe aata hai 0. ठीक है, 18 सिक्स जा वट इट कम्स 108, अगेन 12। सो इट इज रिपीटिंग, वेन एवर द नंबर इज रिपीटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो रिपीट्स। जब रिपीट करेगा तो हम उसे लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेटली ₹2.67। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। टुडे आई एम टीचिंग यू द मनी चैप्टर। आई थिंक यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम टीचिंग हियर। सो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सेम, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, मीन्स फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज गिवन हियर, कॉस्ट ऑफ द 1.5 kg ऑफ शुगर इज गिवन ₹25। ओके, कॉस्ट ऑफ द 1.5 kg ऑफ शुगर इज गिवन एज 25। We have to find out 1.5 kg stands for 2 1 2 and 1 3, it means 3/2 kg. So cost of 3/2 kg kitna hamare paas? 25. So 1 kg ka kya ho jayega? Ab 25 divide karega 3/2 ko. Jab ye divide karega then we get this number. Agar hum aise likhenge to 2 upar chala jayega. स्टूडेंट्स लुक अगेन, 25 को जब 3/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा। एज इट इज़ हियर 25 2 50/3, अगर आप इतना भी रखते हो यू विल बी एब्सोल्यूटली राइट। ओके, सो इन द नेक्स्ट केस कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? एज 1 ग्राम इक्वल्स टू, सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो देन 500 ग्राम्स इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 1000 एंड इट कम्स हाफ ग्राम।
half kg. It comes half kg. Then we are going to find out the cost of half kg. So हम क्या करेंगे, 50/30 जो हमारा ऊपर आया है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 6. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 8.33 रुपीज. ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी इजी. आई नो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी सून. बाय द प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट. नाउ ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज गिवन हियर. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ गिवन है 180. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकालना है तो क्या करेंगे, अगेन आई एम आस्किंग यू, तो क्या करेंगे, जब भी हमें एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. हियर यहाँ पे टोटल लेंथ आ रही है तो हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास है 9 रुपीज. सो जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, यू कैन डिवाइड इट इन रफ एंड विल गेट द सॉल्यूशन, इट कम्स 9. सो कॉस्ट ऑफ, अब हमारे पास 1 का कॉस्ट आ गया 9. सो अब हमें 75 का निकालना, वी विल बी मल्टीप्लाई 9 × 75, वी विल गेट 675. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5 और द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टीच हियर टुडे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव टू ट्राई. कॉस्ट ऑफ द 3 लीटर ऑफ द मिल्क इज गिवन एज इन रीड द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 75. आई हैव रिटन ए कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज 75. ओके, व्हाट आई हैव रिटन, कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज 75. एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कैसे निकालेंगे, वी विल डिवाइड 75 बाय 3. सो इट कम 75 डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 25. यू कैन डिवाइड इट हियर, 3 × 2 = 6, 1 remainder, 3 × 5 = 15. सो 25 कम्स. सो कॉस्ट ऑफ 5 फ्रैक्शन 1/2 लीटर, 5.5 लीटर इक्वल्स टू, जब हमारे पास 1 का कॉस्ट आ जाए तो ज़्यादा कर निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11. फ्रैक्शन तोड़ दी, वी हैव टू ब्रेक द फ्रैक्शन ऑल्सो. 5 इज रिटन एज 11/2 हियर. ओके, सो 11/2 को अब डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10. अब 1 के पीछे कुछ है नहीं, सो डेसिमल लगाएंगे, 0 आया, 2 × 5 = 10. सो वी गेट 5.5. अब 5.5 आया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 × 25. ओके, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग 137.5 रुपीज. सो स्टूडेंट्स, ट्राई द नेक्स्ट पार्ट्स बाय योरसेल्फ. आई विल बी चेकिंग योर क्वेश्चंस वेरी सून. यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.